आज हम आपको एल्सा की स्टोरी बताते हैं। एल्सा का रेस्क्यू हमने मई के महीने में किया था। उन दिनों बैंगलोर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब हम स्पॉट पे गए तो हमने देखा कि एल्सा एक कार के नीचे बैठी हुई है और वहाँ से हिल नहीं पा रही है। सबसे पहले हमने एल्सा को कार के नीचे से उठा के एक बॉक्स में रखा। उसकी सेंसेस चेक करने पर पता चला कि उसके पैर में बहुत ही माइल्ड सेंसेस हैं, लेकिन स्पाइन में बहुत दिक्कत दिख रही थी। एल्सा को हम जल्द ही किसी एनजीओ में एडमिट करना चाहते थे। चार ऑटो के कैंसिल होने के बाद हमें फाइनली एक ऑटो मिली और हम एल्सा को लेकर एनजीओ की तरफ गए। बहुत तेज़ बारिश होने के कारण ऑटो भी चलना बंद हो गई। हमने बहुत मुश्किल से किसी गुजरते हुए व्यक्तियों की मदद ली और उन्होंने हमें धक्का देकर एक गैस स्टेशन तक पहुँचाया। करीब 3 घंटे बाद हम एल्सा को एक एनजीओ में एडमिट कर पाए। वहाँ उसे प्राइमरी केयर मिली। अगले दिन उन्होंने एल्सा का एक्सरे लिया, जिसमें पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी बीच से टूट गई है। जब हमने उस एनजीओ से फर्दर ट्रीटमेंट प्लान पूछा तो सारे वेट्स का यही कहना था कि एल्सा को यूथनाइज कर देना चाहिए। मैंने और भी वेट्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन किया और उन सब ने यही बोला कि एल्सा के लिए यूथनेशिया ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि मैं यूथनेशिया के खिलाफ थी, मैंने उन्हें मना कर दिया। एल्सा उस एनजीओ में अगले 3-4 दिन तक एडमिट थी। एल्सा जब से एडमिट हुई थी वो खाना पीना नहीं खा रही थी। 3-4 दिनों बाद जब उसने खाना पीना शुरू किया तो उस एनजीओ ने हमें बोला कि हम एल्सा को वहाँ से ले जाएं। जब मैं वहाँ गई तो एल्सा बहुत ही एनर्जेटिक थी। उसके बाद मैं एल्सा को पीएफए वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल में डॉक्टर नवाज शरीफ के पास लेकर गई। वहाँ जाते ही एल्सा अपने दो पैरों से इधर उधर चलने लगी। उस दिन डॉक्टर नवाज शरीफ ने कहा कि एल्सा भले ही ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन उस पर बहुत लाइफ है और वो बहुत अच्छे से जी सकती है। उस दिन मैंने ये ठान लिया कि एल्सा भले ही लंबा ना जिए, लेकिन एल्सा सही जिएगी। उसके बाद एल्सा को मैं अपने यहाँ फॉस्टर करने ले आई। शुरू के 2 हफ्तों में एल्सा ज़्यादातर सोती रहती थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद मानो उसमें जैसे जान आ गई हो। एल्सा इधर उधर घूमने फिरने भी लगी थी। एल्सा का ब्लैडर कंट्रोल चला गया था। उसको रीगेन करने के लिए रोज़ उसकी सिकाई होती थी और उसकी मेडिकेशंस भी चलती थी। धीरे धीरे एल्सा का अपने ब्लैडर पे कंट्रोल आ गया। लेकिन क्योंकि एल्सा ज़्यादा हिल नहीं पाती थी और पूरी तरह पड़ी रहती थी, उसको बेड सोर्स हो गए। हमने उसके लिए एक टाट खरीदा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चल फिर सके। हमने उसकी ड्रेसिंग भी शुरू की और करीब 1-1.5 महीने बाद एल्सा के सारे बेड सोर्स पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ रेस्क्यूअर्स से पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि एल्सा अगर हीट में जाएगी तो उसके यूटीआई के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि पैरालाइज्ड गैट्स हिल डुल नहीं सकती और वो खुद को पूरी तरह से साफ नहीं कर सकती। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये अवॉइड करने के लिए हमने एल्सा की स्पेस सर्जरी शेड्यूल कराई। बहुत सारे वेट्स के मना करने के बाद एल्सा की स्पेस सर्जरी फाइनली सेशनल एफटाइल हॉस्पिटल में हुई। 1 हफ्ते के अंदर एल्सा रिकवर हो गई। हमारा नेक्स्ट स्टेप था एल्सा के लिए एक घर ढूंढना, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। जैसा कि आप जानते ही होंगे, लोग यूजुअली इंडीज रेस को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। उसके ऊपर से अगर जानवर पैरालाइज हो तो उसके अडॉप्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। हमने बहुत एनजीओस को कॉन्टैक्ट किया और हमने बहुत जगह मैसेजेस स्प्रेड किए। बहुत सारी इंक्वायरीज भी आई, लेकिन जब भी हम उन्हें केयरटेकिंग इंस्ट्रक्शन समझाते थे तो लोग हमें मना कर देते थे। फाइनली एक जन ने हमें बोला कि वो एल्सा को अडॉप्ट करना चाहेंगे। हमने सारी अडॉप्शन फॉर्मेलिटीज पूरी की एंड हमने उन्हें केयरटेकिंग इंस्ट्रक्शन समझाए। उनके घर ऑलरेडी 2 बिल्लियाँ थी। अन्नपूर्णा जी ने सारे इंस्ट्रक्शन सुने और वो राजी हो गई। एल्सा को अडॉप्ट हुए 2 महीने हो चुके हैं। इस दौरान अन्नपूर्णा जी के घर में फैमिली इमरजेंसीज भी आई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम एल्सा को रीहोम कर देते हैं। उन्होंने बोर्डिंग शेल्टर्स ढूंढे, उन्होंने फॉस्टर्स ढूंढे, लेकिन उन्होंने कभी एल्सा का साथ नहीं छोड़ा। आज एल्सा बहुत ही खुशी खुशी अपने एक छोटे भाई और एक छोटे बहन के साथ रहती हैं। रेस्क्यूअर सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हैं, वो हर जानवर को पाल नहीं सकते। डे टू डे बेसिस पे एक रेस्क्यूअर अगर 5 जानवरों को रेस्क्यू कर रहा है तो उनके लिए सारे 5 जानवर अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे समय पर ज़रूरी हो जाता है कि पूरी कम्युनिटी उन रेस्क्यूअर्स का साथ दें। अन्नपूर्णा जी ने एल्सा को एक नया जीवन दिया है। हमने जितने एनजीओज और जितने वेट से बात की, सब ने हमें मना कर दिया था एंड सबका यही कहना था कि एल्सा को यूथनाइज कर देना चाहिए, विच इज़ मर्सी के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि एल्सा पैरालाइज्ड है और एक सुखी जीवन नहीं जी पाएगी। लेकिन क्योंकि हम डटे रहे, आज एल्सा बहुत ही खुशी खुशी रहती है। हम अन्नपूर्णा जी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ना ही एल्सा को एक नया जीवन दिया है बट रेस्क्यूअर्स का भी मोटिवेशन बढ़ाया है।